जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आपकी शादी के लिए, कि शादी में जो रुकावटें हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, उसमें कौन से ऐसे उपाय किए जाना चाहिए या कौन से ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए बिल्कुल सामान्य फ्रीली, जिसमें आपको ना कोई पैसा लग रहा है, ना कोई पूजा विधान, किसी की आवश्यकता नहीं, आप खुद उसे कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा भी होगा। आपको उपाय में सबसे पहले ये करना है कि दोस्तों, हम जो विवाह संबंध जिसके साथ है, बात चल रही है, वो गोपनीय रखना चाहिए। इन बातों को जितना गोपनीय रखा जाता है उतना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इन बातों को अगर आप ओपन किसी को बतला देते हैं तो कई बार परेशानियां खड़ी हो जाती है और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां मैंने देखी है इस विषय पर। तो इस चीज़ का आप, मुझे यकीन है आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पहली बात है कि आपको शनिवार के दिन एक लोटे में जल भरना है। जल भरने के साथ साथ ही दूध, अगर आप अगर कर सको तो थोड़ा सा दूध हो, ज़्यादा ना हो, थोड़ा दूध डालिएगा और हल्दी डालिएगा। तीनों चीज़ें जल में डालकर पीपल को चढ़ाना है। याद रहे, भूखे पेट चढ़ाना है, मतलब किसी भी चीज़ का पेट खाली होना चाहिए। मतलब सीधा सा, हम खाने में क्या होता है, कई बार चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं खाना होती है। मेरा यही मैं सजेशन देता हूँ कि आप भूखे पेट अच्छा रहेगा। सुबह उठकर नहा धोकर, जब सामान्य तौर पर हम भूखे पेट रहते हैं, कोई उपवास नहीं करना है आपको, ये भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको भूखे पेट जाना है, पीपल को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते वक्त आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है और जल चढ़ाते के साथ ही साथ पीपल को स्पर्श भी आपको करना है। केवल इस शनिवार के दिन ही पीपल को स्पर्श किया जाता है, इसके अलावा अन्य किसी दिन भी पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा मोटे तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ और इस चीज़ को आपको फॉलो भी करना होगा। दोस्तों, ये तो आपको बेसिक्स जो मैंने शेयर की कि आपको इस तरह से ये काम करना है। दूसरा बात ये होता है कि आपको पीला रुमाल अपने जेब में हमेशा रखें। तीसरी बात है कि यदि आप कोई धूम्रपान करते हैं, अपने दांतों को साफ रखें। मतलब सीधी से कहने की बात है, अपना मुंह जो है, दांत हुए अंदर से, उनका सफाई होना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप दो वक्त ब्रश करिए या दो वक्त उन चीज़ों का ध्यान रखें कि जिनसे हमारे मुंह के लिए तकलीफ देह होती है, और खासकर धूम्रपान, बहुत से लोग गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, तो ये चीज़ों का सेवन ना करें। मुझे अच्छा लगता है कि जो नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से जहाँ तक करते हैं और वो कई बार तकलीफ़, धीरे 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 तकलीफ़ कर देती, क्योंकि बृहस्पति का संबंध सीधा सा स्वच्छता से है और शुक्र का संबंध भी स्वच्छता से ही है। तो थोड़ा इत्र लगाए अपने शरीर पर, जो भी आप डीओ ना लगाए, इत्र लगाए, और भोले बाबा को भी इत्र लगाए। मैं हमेशा कहता हूँ अपने कई सारे वीडियो में, कई सारे जातकों को मैंने ये पर्सनली भी बताया है कि आप इत्र लगाएं, स्वयं भी लगाएं, भोले बाबा पर भी इत्र चढ़ाएं, क्योंकि इत्र वो है कि कई बार हमें वो चीज़ें मिल जाती है, वो चीज़ें हासिल हो जाती जिन्हें हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो इत्र का कमाल होता है। दोस्तों, ये आप, मुझे यकीन है आप इसे कंटिन्यू करिएगा। मतलब कंटिन्यू आप तीन शनिवार करेंगे तो मुझे लगता है तीसरे शनिवार आपको फ़ायदा होगा। और पीपल को शनिवार के दिन दीपक लगाएं, कंटिन्यू करते रहें, और याद रहे अपने इष्ट देव का हमेशा जप कंटिन्यू आप करते रहें। बस आपको ये कंटिन्यू चीज़ें 3 हफ्ता, मतलब मोटे तौर पर 21 दिन करना है, 7 तेरी 21 दिन। 21 दिन के बाद 22वें दिन आपको ज़रूर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुझे यहाँ तक यकीन है कि 21 दिन के अंदर भी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।